हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम लोग आज पराठा बनाते हैं, सिंपल पराठा। बहुत लोगों से होता है ना, पराठा बनता ही नहीं, फूलता ही नहीं। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा मेरे तरीके से, तो सारे पराठे फूलेंगे। और जो भी पराठा आप बनाइएगा, आलू का पराठा या फिर सत्तू वाला पराठा या फिर कोई और स्टफिंग वाला पराठा, सारे पराठे फूलेंगे यदि इस तरीके से आप बनाइएगा। तो देखिए हम लोग लोहिया काट लिए हैं आटा का, अच्छे से आटा हम लोग लगा लिए थे। अब हम लोग इसको अच्छे से बेल लेंगे, गोल शेप देंगे। इसके ऊपर रिफाइन हम लोग लगाएंगे। रिफाइन नहीं लगाने का मन है तो आप लोग तेल लगाइए या तो फिर घी भी लगा सकते हैं, पर रिफाइन सबसे बेस्ट रहता है। इस तरह करके चारों तरफ आप रिफाइन लगा करके इसको मिला लीजिए। उसके बाद में इसको हम लोग फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने के बाद में वहाँ भी हल्का तेल लगाएंगे। उसके बाद ट्रायंगल शेप दे के हम लोग इसको अच्छे से बेल लेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है सारे पराठे। और सारे पराठे फूलेंगे, आप लोग को हम दिखाएंगे वीडियो में आगे कि कितना अच्छा से सारे पराठे फूलते हैं। मेरे हस्बैंड को तो पराठे बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा बनाते रहती हूँ, तो सोचा क्यों ना ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो देखिए पराठा मेरा बन के तैयार हो गया है, मैंने बेल चुके हैं हम लोग। अब इसको हम लोग पका लेते हैं अच्छे से, आप लोग को दिखाते हैं कि कितना अच्छा से पराठे फूलेंगे। तो देखिए बेल चुके हैं हम इसको। अब इसको हम लोग तवा में डाल दिए हैं। लोग होता है ना कि तीन चार बार रोटी को पलटा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। दो ही बार हम लोग इसको पलटेंगे और पराठा बन के तैयार हो जाएगा। एक बार पलटेंगे, दूसरा बार पकेगा अच्छे से, उसके बाद हम लोग रिफाइन या घी लगाएंगे। तो ये देखिए जब तक ये दूसरा फर्स्ट पक रहा है, तब तक हम लोग दूसरा बेल लेते हैं। हाई थोड़ा फ्लेम हाई करेंगे या फिर आप नॉर्मल भी रख सकते हैं, तो हम थोड़ा हाई किए हैं फ्लेम। इसको हम लोग अच्छे से अब पलटा लेंगे। सेम तरीके से दूसरा पराठा भी हम लोग बेल लेंगे। तब तक ये देखिए हम लोग फर्स्ट बार पलटा लिए पराठा को। जैसे कि आप लोगों को बता रहे हैं कि दो बार से ज़्यादा नहीं पलटाना है, तो एक बार से दूसरा बार हम लोग पलटाए हैं। देखिए पराठा फूल चुका था। अब इसमें हम लोग रिफाइन डालेंगे। हाथ संभाल करके आप खाना बनाइए, वरना हाथ में भी इतना गर्म भाप या जल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सारे पराठे फूल जाएंगे आप इस तरीके से बनाइएगा। तो जिनसे नहीं बनता है नॉर्मल पराठा भी घर पे, तो मेरा वीडियो को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को। अब देखिए दूसरा पराठा भी डाल दिए हम लोग सीखने के लिए। तो ये जब अच्छे से पक जाएगा तो इसको भी हम देखेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि रिफाइन डालने के बाद कैसे ये पराठा भी फूल जाएगा। तो इस तरह से सारे पराठे हम बना लेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि हम दो बार से ज़्यादा पलटा नहीं रहे हैं रोटी को, तो आप लोग भी ऐसा ही करें। ये नहीं कि तीन चार बार पलट रहे हैं। और रिफाइन डालने के बाद दोनों तरफ से सेक लेंगे अच्छे से। आप चाहेंगे तो चाटू से भी कर सकते हैं, मेरे से तो चम्मच से भी हो जाता है, तो हम चम्मच की मदद से ही कर ले रहे हैं। अब साइड साइड में हम लोग अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि साइड साइड में कच्चा रह जाता है पराठे। तो इस तरह से देखिए पराठे बन गए हैं, मेरा दो पराठा बन चुका है। तीसरा पराठा हम लोग डाल दिए। ये देखिए अपने आप ये पराठा फूल रहा है। इस तरह से आप सब कोई अपने घर में पराठा बनाइए। अब ये देखिए हम ट्रायंगल में तो बना लिए थे, अब हम चकोर शेप में बना रहे हैं पराठा। वो भी बहुत इजी तरीके से बन जाएगा और बहुत अच्छे से वो भी फूल जाएगा। तो खुद भी खाइए पराठे फूले फूले हुए, और अपने घर में भी खिलाइए और सबको खुश रखिए। होता है ना, मनपसंद का किसी को खाना मिलता है तो घर में बहुत लोग हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो आप भी अपने घर में पराठा बनाइए और इंजॉय करिए पराठा का। सर्दियों के मौसम में तो अक्सर लोगों के घर में पराठा बनते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है पराठा, कोई भी सब्जी के साथ उनको दे दो, बस पराठा उनको चाहिए। पर उनको मैं बोलते रहती हूँ कि पराठा ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि रिफाइन ज़्यादा हमेशा यूज होता सही नहीं है हेल्थ के लिए। ये देखिए हम ये बनाए थे चौकोर शेप में। तो ये भी पराठा देखिए आप लोगों को दिखाते हैं कैसे फूल गया है, कितना अच्छा से ये भी बन गया है। तो इस तरह करके हम लोग सारे पराठे को बना लेंगे एक एक करके। आप लोग देख रहे हैं चौकोर शेप का पराठा, वो भी बन के तैयार हो गया मेरा। ये देखिए बन के तैयार हो गया सारे पराठे मेरे, कितना अच्छा फूले फूले सारे पराठे बने हैं। तो कोई भी सब्जी के साथ, चटनी के साथ पराठों को आप सर्व करिए और इंजॉय करिए सिंपल आसान तरीके से पराठा।